अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम दिखाएंगे कि ई रिक्शा के अंदर जो बियरिंग लगा हुआ रहता है, ई रिक्शा के अंदर बहुत सारा बियरिंग लगा हुआ रहता है, उसका नंबर क्या है और कौन सी नंबर का बियरिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वही दिखाएंगे आज आप लोगों को। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए दिखा देते हैं आज। तो देखिए आप लोगों के सामने जितना भी बियरिंग पड़ा हुआ है यही सब बियरिंग लगता है ई रिक्शा में। तो एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कौन सा बियरिंग कहाँ पे लगता है। तो देखिए ये जो हब्स है, इस हब्स में जो बियरिंग लगता है वो है 6301, इस नंबर का बियरिंग इसमें लगता है, क्योंकि इसमें जो एक्सेल है वो थोड़ा पतला वाला है, इसलिए जो बियरिंग लगा हुआ है वो भी थोड़ा छोटा टाइप का बियरिंग है। तो आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो लास्ट में मैं उस पैकेट में भी है इसका बियरिंग तो वो भी एक दिखा देंगे आप लोगों को। और आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक कागज़ और कलम से आराम से लिख के आप लोगों को समझा देता हूँ कि कहाँ पर कितने नंबर का बियरिंग लगा हुआ है। तो इस हब्स में जो आपको बोला कि छोटा वाला जो बियरिंग लगा हुआ है वो कितने नंबर का है वो भी दिखा देता हूँ। 6301, देखिए 6301, ये उस हब्स में लगता है जिसमें ये जो आपका एक्सेल दिख रहा है ये थोड़ा पतला वाला एक्सेल जो है वो लगता है, जिसमें उसमें लगता है 6301 वाला, ठीक है। और एक है वो मोटा वाला है वो भी दिखा देता हूँ, पहले इस नंबर को नोट कर लीजिए आप। देखिए ये वाला जो है ये उससे थोड़ा मोटा वाला एक्सेल है, ठीक है। तो इस एक्सेल में कौन सा वाला बियरिंग लगता है, देखिए इस हब्स में इसमें लगता है 6302 वाला बियरिंग, ठीक है। आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा तो थोड़ा ध्यान से देखिए तो मालूम पड़ेगा। ये भी आप लोगों के लिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग अगर ख़रीदना चाहो तो इस लिस्ट को ले जाके आराम से ख़रीद सकते हो। तो देखिए 6302, ठीक है, 6302 इस नंबर का बियरिंग लगता है इसमें। देखिए अभी का मार्केट में जितना भी गाड़ी चल रहा है ज़्यादातर यही दोनों बियरिंग लगता है, ठीक है। और जो ओल्ड मॉडल का एक गाड़ी था जिस गाड़ी में सामने की तरफ भी एक ब्रेक लगा हुआ रहता था, उस गाड़ी में जो बियरिंग लगता था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए उसमें लगता था 6201 वाला, ठीक है। तो ये वाला गाड़ी अभी ज़्यादा नहीं है, 100 में एक दो हो सकता है, लेकिन हमारे इधर तो ये वाला गाड़ी चलता ही नहीं है। आप लोग अगर चलता होगा तो ये वाला बियरिंग रख सकते हो, हालांकि ये वाला बियरिंग आपको रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपका जो मोटर है उसमें भी ये वाला बियरिंग लगेगा और जो आपका गियर बॉक्स है उस पर भी लगेगा। तो चलिए आपका जो फ्रंट वाला हब्स है उसका तो हो गया, आप दिखाता हूँ आप लोगों को दूसरा वाला, ठीक है। तो ये ऊपर का दो वाला जो बियरिंग है दो, वो दोनों मस्ट है, वो दोनों लगेगा ही लगेगा। बाकी ये नीचे वाला अगर गाड़ी है तो लगेगा, नहीं तो इसका कोई काम नहीं है, ये दूसरा काम में आप ला सकते हो इसको हब मोटर में या तो आपका जो गियर बॉक्स है उसमें, ठीक है। ये नीचे वाला, ये तीनों ही बियरिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब चलिए दूसरे बियरिंग की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये वाला बियरिंग, ये वाला बियरिंग का नंबर है 6006, ठीक है। इसका जो नंबर है 6006, ये कहाँ पे लगता है, ये लगता है हमारा गियर बॉक्स के दोनों साइड में दो बियरिंग लगता है, जहाँ पे जो बड़ा वाला पिनियम रहता है वो पिनियम के दोनों साइड में ये वाला दो आपका जो बियरिंग है वो लगता है, ठीक है। तो इसका नंबर भी देख लीजिए, 6006 इसका नंबर है, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग अगर ख़रीदने जाओगे तो आराम से बता सकते हो, ठीक है। 6006 इसका नंबर है, तो आप लिख लीजिए इस नंबर को भी। मैं लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को ख़रीदने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मुझे बोलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसके वजह से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो एक तरफ का हो गया, और एक तरह का बियरिंग लगता है वहाँ पर ही, देखिए ये वाला, ये वाला बियरिंग, ये भी गियर बॉक्स में ही लगता है। तो इसका नंबर है 6004 इसका नंबर है, तो इसको भी लिख देता हूँ।
ताकि आप लोग नोट कर सकते हो। ये बड़ा वाला का नंबर है 6006 और छोटा वाला का नंबर है 6004। ये दोनों बियरिंग गियर बॉक्स में लगता है, अलग अलग डिफेंस में, ठीक है। अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो हर तरह का बियरिंग आपको रखना पड़ेगा। तो देख लीजिए, यही वाला बियरिंग है और मैं लिख के इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब ख़रीदने जाओगे उस टाइम कोई तकलीफ़ ना आए, ठीक है। तो इसका नंबर है 6004, ठीक है। ये दोनों बियरिंग ही गियर बॉक्स के अंदर लगता है, और एक बियरिंग लगता है गियर बॉक्स के अंदर, वो भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो उसको भी एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। उसका नंबर है 6201, ठीक है, 6201, जो मैं पहले दिखाया आप लोगों को एक बार, वही वाला बियरिंग। देखिए ये वाला 6201, ये वाला बियरिंग लगेगा आपका गियर बॉक्स के अंदर, और ये मोटर पे भी लगता है। जैसे कि मैं पहले दिखाया था, ये सामने का एक हब्स था उसमें लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा लगता है ये मोटर में और आपका गियर बॉक्स में, क्योंकि वो वाला हब्स तो अभी मिलता ही नहीं है ज़्यादातर, सामने ब्रेक वाला सिस्टम बंद ही हो गया होगा। तो देखिए इसको भी मैं लिख देता हूँ 6201, ये भी लगेगा आपका गियर बॉक्स में, ठीक है। जो डबल वाला गियर रहता है उसमें लगेगा ये, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो मैं एक एक करके सबको दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप जो दिखाने वाले हैं आप लोगों को, ये है मोटर वाला, ठीक है। तो मोटर में कितने नंबर का लगता है वो भी देख लीजिए, इसमें लगेगा 6203, ठीक है, 6203 6203, ये नंबर का लगेगा आपका मोटर में, मोटर का जो आगे की तरफ है उसमें ये वाला लगेगा। और देखिए एक छोटा वाला है, ये लगेगा पीछे की तरफ, छोटा वाला मैं पहले ही नंबर बताया आपको, तो आगे का नंबर पहले नोट कर लीजिए 6203, जो मोटर का आगे की तरफ लगेगा। मोटर में दो बियरिंग लगता है, एक 6203 और एक लगता है 6201, ठीक है, 6201, यही दोनों बियरिंग लगता है मोटर में। तो 6201 जो बियरिंग है वो कहाँ कहाँ पे लग रहा है आप लोगों को मालूम पड़ रहा है, बहुत जगह लगता है ये वाला बियरिंग, ठीक है। तो मैं पहले बोला था कि वैसा जो सामने ब्रेक वाला जो गाड़ी बंद हो गया है, तो अगर बंद हो जाता है तो वो बियरिंग बहुत जगह काम पे लगता है, आपको ये बियरिंग लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यही दो बियरिंग लगता है आपका मोटर में, 6203 और 6201, यही दो बियरिंग लगता है, ठीक है। तो चलिए आप दूसरा वाला भी दिखा देते हैं आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा करना पड़ रहा है। अगर ऐसे स्पीड में बोल के चला जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसके वजह से। तो देखिए ये है गले वाला बियरिंग, जो टी सेट में लगता है उसका बियरिंग है ये। गले में भी तीन तरह का बियरिंग लगता है, तो ये सबसे बड़ा वाला बियरिंग है। देखिए इसमें लिखा हुआ है नंबर 32005, ठीक है, इसमें जो नंबर लिखा है 32005, तो ये भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों को। और भी दो तरह का लगता है, जैसे कि टोटल तीन तरह का बियरिंग लगता है 32005, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये भी लगता है ज़्यादातर, और एक बियरिंग है वो भी ज़्यादातर लगता है, और जो लास्ट में दिखाने वाला हूँ वो बियरिंग ज़्यादातर नहीं लगता है, 100 में से एक दो गाड़ी में हो सकता है वैसा वाला, ठीक है। तो देखिए 32005 ये वाला जो बड़ा वाला बियरिंग है वो है वो, और ये वाला जो खुल रहा हो अभी ये मीडियम वाला है, ये भी आपका सामने लगेगा जो हैंडल के नीचे, ठीक है, गले में। तो इसका नंबर है 3025, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में, थोड़ा मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। इसका नंबर है 3025,
5। ठीक है, तो ये नंबर का बियरिंग है, ये आप इसको नोट कर सकते हो। ये लगता है हमारा टी सेट में, ठीक है, सामने की तरफ हैंडल का जो सेट है उस टी सेट में ये लगता है, गले में, जो आसान भाषा में बोला जाता है गले में लगता है। तो ये जो दो बियरिंग है गले का, ये इम्पोर्टेंट बियरिंग है, और बाकी अब जो मैं बियरिंग दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, वो ज़्यादातर गाड़ी में नहीं लगता है, वो 100 में से एक आध गाड़ी में होगा और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला बियरिंग ज़्यादातर चलता ही नहीं है। फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग कभी ये वाला गाड़ी आए तो आप लोग उसमें लगा सकते हो। तो एक आध ये वाला बियरिंग भी रख देना, ताकि अगर आप लोगों के पास कभी आता है ये वाला गाड़ी तो उसमें लगा सकते हो, वो घूम के ना जाए, ठीक है। तो इसका नंबर है 91683, ठीक है, इसका जो नंबर है 91683 आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखने से मालूम पड़ेगा, 91683 इसका नंबर है। ये वाला बियरिंग ज़्यादातर लगता नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध रखना पड़ेगा आपको, ताकि अगर ऐसा गाड़ी कभी आता है तो आप लोगों को उसमें लगा सकते हो, वो घूम के नहीं जाएगा फिर, ठीक है। तो देखिए 91683 और उसमें एक ब्रैकेट देके 22.5 ऐसा लिखा हुआ है बियरिंग में, मैं सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं इसको 91683, ठीक है, ए नंबर पे हम लोगों को पहचानते हैं ज़्यादातर। तो ज़्यादातर सभी बियरिंग को देखिए, सबका नंबर लिख दिया, एक ही बियरिंग का खाली बचा हुआ है। तो देखिए ये वाला बियरिंग, इसका नंबर है 6205, ये मेन बियरिंग है, इम्पोर्टेंट वाला, तो इसको भी लिख देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये कहाँ पे लगता है, ये हमारा लगता है पीछे का जो एक्सेल है उसमें लगता है, पीछे का एक्सेल में लगता है ये वाला बियरिंग 6205। तो ये भी मैं लिख देता हूँ 6205, ठीक है। तो अगर आप लोग ये सब बियरिंग को ख़रीदना चाहते हो, नंबर नहीं मालूम है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार के या तो ये किसी खाते में लिख के आप ले जा सकते हो दुकान पे, यही सब बियरिंग लगेगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता है बियरिंग, ठीक है, जितना भी बियरिंग लगता है मैं सब दिखा दिया इसमें। तो अगर ये लेके जाओगे आप तो आराम से आप ख़रीद सकते हो, ये वाला पीछे वाला जो बियरिंग है, जैसे बोला मैं पीछे का एक्सेल का बियरिंग है, ठीक है। और बाकी देखो और भी बहुत सारा बियरिंग दिख रहा होगा यहाँ पे, ये सब बियरिंग इस हब्स का है, ये मैं पैकेट खोला नहीं था पहले ही, क्योंकि मैं डायरेक्ट हब्स से ही दिखा दिया आप लोगों को। ये है 6301 वाला बियरिंग, तो ये मैं पहले ही दिखा दिया हब्स खोल, बोले तो हब्स में कितना नंबर का बियरिंग लगा हुआ था, तो इसीलिए मैं वो पैकेट खोल के नहीं दिखाया। तो ये सब भी बियरिंग देखिए, ये थोड़ा महंगा वाला बियरिंग है, हर तरह का रखना पड़ता है दुकान में, ठीक है। तो ये भी 6205 का बियरिंग है। तो टोटल ई रिक्शा में जितना भी बियरिंग लगता है मैं सब दिखा दिया, आप अगर इसको नोट कर लोगे या तो स्क्रीनशॉट मार के आपको अगर बियरिंग चाहिए तो ले जा सकते हो और ख़रीद के ला के लगा सकते हो, या तो आपकी दुकान है तो ये सब बियरिंग आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को पता है कि एक वीडियो बनाने में कितना तकलीफ होता है, कितना टाइम लगता है, तो वीडियो को देख के ऐसे ही मत चले जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मुझे भी और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने को हौसला मिले। और अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉच।